कैसी लगी मूवी? तो एकदम औसम था, नेशनल के ऊपर था तो और अच्छा लगा, करप्शन के ऊपर था तो और बेटर था, तो बहुत अच्छी मूवी लगी, बहुत औसम मूवी। जॉन अब्राहम का दो रोल था तो कैसा लगा, दोनों के साथ कैसा लगा? दोनों ने अच्छे रोल किए, VFX का भी अच्छा काम हुआ है तो बहुत अच्छा लगा। और दिव्या कृष्णा एज ए डायरेक्टर काफ़ी अच्छी थी, पहली बार एज ए एक्टर देखी है तो कैसा लगा? हाँ, उन्होंने भी फर्स्ट मूवी था उनका, अच्छा लगा। बाकी उन्होंने सिर्फ सॉन्ग के लिए काम किया, उनके उनसे तो बहुत एक्सपेक्ट था और बहुत अच्छा भी किए उन्होंने। उन्होंने तो पहले से काफ़ी बेटर करते ही, इसमें तो काफ़ी और अच्छा किए उन्होंने। तो आफ्टर लॉकडाउन एक बड़ी मूवी थी, तो आफ्टर लॉकडाउन कैसी? ये मेरी फर्स्ट मूवी थी आफ्टर लॉकडाउन में, लेकिन मैं दिल खुश हो गया ये मूवी देख के। तो 5 में से कितना स्टार देना चाहोगे? 5 out of 5। तो कैसी लगी मूवी? मूवी अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा। उसमें बहुत सारी सीखने की चीज़ है, जो जो देश में होता है वो सब बताते हैं, कैसे क्या होता है, करप्शन के बारे में बताते हैं, उसमें अच्छे से बताया। फिर उसके बाद में जो ओवर रेटिंग थे, मतलब हेलीकॉप्टर से, उसमें ओवर सीन्स दिखाए कि मतलब जो हो नहीं सकता था वो उसके ऊपर बताया वो लोग ने। स्टोरी ठीक थी, अच्छी थी स्टोरी, पर लास्ट में जो जो सीन दिखाया वो हेलीकॉप्टर, वो थोड़ा ओवर लगा। और सॉन्ग्स अच्छे थे जो। दिव्या कृष्णा एज अ डायरेक्टर है और एज अ एक्ट्रेस कैसी लगी आपको? हाँ, वो तो अच्छी एक्टर है, तो उन्होंने पहले भी मूवी देखी मैंने, वो उनकी भी अच्छी एक्टिंग थी। और मुझे सॉन्ग्स इंटरेस्टिंग लगे, एक दो सॉन्ग्स है वो इंटरेस्टिंग लगे। तो सॉन्ग्स के बारे में नौरा का एक बार, तो नौरा फतेहअली कैसी लगी आपको? वो तो डांसर है तो उनका तो कुछ बोल नहीं सकते, वो तो डांसिंग में। फिलहाल जो देश के ऊपर जो गाना था वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, तो मुझे वो अच्छी लगी सॉन्ग। मैं 3 देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, वेलकम। मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी बनाई है मिलाप झवेरी सर ने, जो मूवी बनाई है, मतलब कि सत्यमेव जयते का सिक्वल है ये, सत्यमेव जयते 2। मतलब कि स्टोरी ट्रिपल रोल है जो जॉनी अब्राहम, वो कहते हैं ना कि मूवी इंटरटेनमेंट से चलती है, फुल इंटरटेनमेंट दिया गया। मतलब कि एक बाप है जिनका नाम आज़ाद है, फिर 2 बेटे उनके हैं सत्या एंड जय, एक पुलिस ऑफिसर है और एक बोले तो पॉलिटिशियन है। मतलब कि किस तरह से वो करप्शन मिटाते हैं, देश में जितना करप्शन है उसको लेके स्टोरी है, एक पुलिस ऑफिसर बन के एक पॉलिटिशियन बन के करप्शन को मिटाते हैं। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद उन्होंने मूवी में काम किया है, लेकिन उनका जो रोल मिला है उनको, मतलब कि ज़्यादा नहीं दिया गया उनका रोल, लेकिन जितना भी मिला है बहुत अच्छा मिला है और उन्होंने अपने रोल को बहुत बाखूबी प्ले किया रोल को। ओके, तो डायरेक्टर ने और स्टोरी लाइनअप बहुत, मतलब सही स्टोरी लाइनअप जो है ना बहुत अच्छी तरह से बनाया। फर्स्ट हाफ की बात की जाए तो मतलब कि आपको इंटरवल कब होगा पता ही नहीं चलेगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा मेहनत किया गया है डायलॉग के ऊपर, अगर अब मैं डायलॉग गिनने पे आ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा डायलॉग्स हैं मूवी के अंदर। मतलब मूवी का अगर जान है तो वो डायलॉग है, बहुत दमदार डायलॉग है, सारे डायलॉग अच्छे हैं। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में कौन सी पार्ट आपको अच्छी लगी? फर्स्ट या सेकेंड में मेरे को ऐसा फर्स्ट अच्छी थी, ये नहीं बोलूँगा कि मैं फर्स्ट बेटर रही है, लेकिन फर्स्ट भी अच्छी थी, लेकिन मतलब ऐसा टाइप का नहीं बनाया गया। लेकिन जैसे कभी कभी आपको ऐसा फील होएगा ना कि जैसे लगता है कि वही सेम टू स्टोरी डाल दिया, लेकिन थोड़ा सा वो जो सेकेंड हाफ चालू होती है ना मूवी, जब उनके फादर का दिखाता है जो आज़ाद नाम है जिनका, वहाँ पे थोड़ा स्टोरी पकड़ में आ जाती है। मैं ये मूवी को दूंगा 3 स्टार। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा मूवी आपको? और मूवी इज़ वेरी सुपर, लाइक सोशल मैसेज भी है मूवी में, काफ़ी स्मॉल सोशल मैसेज, जैसे वुमेन का निव्या खान ये हुआ था, जो फिर यूपी में भी बच्चे लोग का खाने में मिड डे मील में ये काफ़ी उल्टे फुलटे जो हुए थे। मतलब ज़्यादा करके पॉलिटिक्स के ऊपर दिपे बेस है मूवी, बैड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जैसे हमारे इंडिया में कैसे मिलीजुली सरकार कैसे रन करती है, उसी चीज़ों पर प्लॉटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया। ओवरऑल बेस्ट इसमें दिखाएगा जॉन अब्राहम इज द मैचो मैन, जो ट्रक का जो इंजन उखाड़ दे रहा बाइक को लेकर, जैसे फोर्स इज अ रियल, ही इज डन इज रियल। और एक्शन सीन्स उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से, दिव्या घोसला उनका भी सेकेंड हाफ में काफ़ी एक्टिंग जो दिखा रहे, जो डायलॉग उन्होंने डिलीवरी किया है, जो पार्लियामेंट में खड़े रहकर औरत के लिए स्पीच देती, काफ़ी अच्छी तरीके से। और जो स्मॉल जो है ना, जो स्टार्स है छोटे छोटे जो एक्शन ये सब कर रहे हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे तरीके से। ओके, तो गाने कैसे लगे, नौरा कैसी लगी? नौरा के गाने, नौरा फतेह अली खान, शी इज़ अ सेक्स दीवा, शी इज़ अ लाइक सेबल टाइप का कैंटर, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से अपना डांस किया, जिस तरीके से ज़्यादा कुछ नहीं, 1.5 मिनट का गाना है,
फिर उसके बाद दिव्या घोसला का जो पंजाबी जो फोक डांस है उसमें उनको दिखाया काफ़ी अच्छी तरह से, जो कॉस्ट्यूम काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें दिखाया, जो गाने का जो बोलते हैं सीक्वेंस अच्छी तरीके से डिलीवर करा। फिर एक लास्ट को जो करवा चौथ का जो गाना है और इसमें स्मॉल कॉमेडी है, जो पुलिस वाले को मारना, आपको मीठा पान खाना है, पान बनारसी, मतलब पिक्चर में सब कुछ है। आप जो थिएटर में बैठे हो आप बोर नहीं होगा, मूवी में काफ़ी अच्छी तरह से। आउट ऑफ फाइव आई गिव 3.5, 3.5 4 इज काफ़ी अच्छी तरह से मूवी को डिलीवर। कैसी लगी आपको मूवी सत्य में जयते टू? देखिए पिक्चर ओके लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, एक्टिंग अच्छी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, देशभक्ति सोच के आए थे तो इसमें देशभक्ति का कम है, और देश में जो परिस्थितियां पीछे घटी है उसको उजागर करने का डायरेक्टर ने कोशिश किया है और उसका हल बताया है। ओके, तो एक्टिंग कैसी लगी दिव्या घोष और जॉन अब्राहम की? एक्टिंग अच्छी है, एक्टिंग में तो देखिए ये लोग एक्टर हैं और इतने सालों से एक्टिंग करके आ रहे हैं तो एक्टिंग में तो कोई खामी नहीं है, लेकिन ओवर एक्टिंग ज़्यादा लगी। तो गाने भी है, नोरा फतेह अली वली का जो आइटम सॉन्ग है ना वो 5 मिनट का है, उसमें थोड़ा मजा आया। तो सत्य में टू और वन में क्या फर्क लगा? वन का हिसाब अलग था, टू में उतनी पकड़ नहीं है। आउट ऑफ फाइव इसमें से 3 स्टार बनते हैं मेरे हिसाब से। मूवी जहाँ तक टेलर बताया गया, टेलर पे कुछ लोगों ने बातें रखी कि बकवास है, ये है, बाद में जो है मिलाप जवेरी ने दूसरा टेलर लॉन्च किया, अच्छा लगा, लेकिन जिस हिसाब से टेलर था उससे कहीं ज़्यादा ही ये मूवी अच्छी लगी, लेकिन पब्लिक नहीं, जिस हिसाब से मूवी में पब्लिक रहनी चाहिए नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे मालूम पड़ेगा मूवी अच्छी है तो पब्लिक खींचे चले आए, क्योंकि फाइट जो है रोंटे खड़े कर देने वाले और काबिले तारीफ़ है, और ये पब्लिक को जो है जितना जो चाहिए इंटरटेनमेंट सब है, और पब्लिक को घींच के लाने के लिए क्षमता रखती है। और ये मूवी में जो है जॉन इब्राहिम जो मैं देखा फर्स्ट पार्ट से थोड़ा कुछ ये मूवी में कुछ ज़्यादा ही फाइट एक्शन है, और ये नहीं लगा कि जैसे मैं समझा कि इनका चेहरा फेस अलग बता रहा है, एक बता रहा है अलग है, कुछ लॉजिक लगे, लेकिन लॉजिक नहीं हुआ। बाप का जो रोल है वो अच्छा है, मतलब उनका अलग है, और ये दो जो है पुलिस और एक क्रिमिनल और एक नेता, तो ये तीनों रोल ये निभाते हैं। लेकिन जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे कि उसमें जो है पुलिस और जॉन इब्राहिम जो लड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है दोनों मिलके लड़ते हैं, बहुत अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर जो सुकू गाना है वो पब्लिक को जो है दिमाग में बैठा रहेगा और वो घुसते रहेगा, निकलने के बाद भी वो घुसते रहेगा। और फाइट जो है जो कि एक एक्शन ऐसा बताया गया है कि उनका जब बॉडी दिखाया तो मुझे रेम्बो की याद आया। ओके, तो ये मूवी जो है जहाँ तक हो सके सुपर हिट तो मैं बोला था, लेकिन जहाँ तक हो सके ये मूवी ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। ओके, तो 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स होंगे? देखिए पहली बात है कि इसमें उर्मिला मातोंडकर का भी जो काम जो लास्ट में उन्होंने क्लाइमेक्स में पकड़ के रखा, इसीलिए इस मूवी को जो है 3 ना बजाय देने के बजाय मैं इस मूवी को 3.5 स्टार दूँगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक को जो है खींच के मतलब मिलाप जबरी ने फर्स्ट पार्ट से लेकर के मतलब हाफ से लेकर के लास्ट एंडिंग तक उन्होंने पकड़ के रखा, ये है। फर्स्ट पार्ट जबरदस्त है, सेकंड पार्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन लास्ट तक उन्होंने पकड़ के रखा, वो सबसे बड़ी बात है। थैंक यू।